नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय यूं ही भागता जा रहा, आप पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं या फिर कहीं घूम रहे हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो पढ़ेगा, जो समय को पकड़ेगा और जिसे ये बात का समझ होगा कि मुझे एनी हाउ इस बचे हुए 70 दिन में बीपीएससी को अटैक करना है और पास करके जमाने को दिखाना है, उसको थोड़ा सा अपने आप को बदलाव करना होगा। आपने कई बार सुना होगा कि बहुत बच्चे जो है 1 महीने 2 महीने पढ़ते और प्रीलिम्स में क्लियर करके लेके चले जाते हैं। सच्ची बता रहा हूं, बहुत इंटरव्यू लिया हूं मैं, कई बार लोगों से पूछता हूं, कहते सुई सर कुछ भी नहीं है, 1-1.5 महीने तैयारी करता हूं और आराम से प्रीलिम्स निकाल लेता हूं। ऐसे बहुत नाम है, बहुत नाम है। किन किन का नाम बताऊं? एक बहुत है। इन नामों में जो सबसे पहला लिस्ट आता है वो विकास दिखाता है। पहले आरओ थे और अभी वो डीएसपी बन गए हैं, आज तक कभी पास फेल किए ही नहीं है। जिस एग्जाम में बैठते हैं हमेशा उनका निकलता है। या फिर आकाश जी को ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इंडिया के किसी भी एग्जाम, कोई भी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, कभी इनसे रुकता ही नहीं है। तो क्या इनके जानने की जरूरत है ना कि आखिर ये कर क्या रहे हैं? इनका सीधा सा एक फंडा होता है, लिमिटेड पढ़ो और अनलिमिटेड नंबर लाओ। और ये जो अनलिमिटेड नंबर है ये कट ऑफ है, कट ऑफ क्रॉस करवा दो। आयोग 130 नंबर भी देता है तो इनका 132 नंबर रहता है। आयोग 108 नंबर दिया है, इनका 122 नंबर था। सच बता रहा हूं। और यही एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, चाहे जिसको जो बोलना कट ऑफ इतना जाएगा, ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा, बेकूफ बनाना बनाने दो। आप बस एग्जामिनेशन हॉल में बैठने से पहले अपने दिमाग को यह बता दो, अगर कट ऑफ 140 भी जाएगा ना, आपका 142 रहेगा। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ के दिखा दे। लेकिन यहां तो दुर्भाग्य है कि शतक ठोकते ठोकते हालत खराब हो जाती है। सच बात यही है, नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, अगर उसको आज से 1 महीने, सिर्फ 30 दिन आपको मेरे साथ देना होगा। आज 14 नवंबर है, बाल दिवस है, हमारी दुआ हमेशा आपके साथ में है, दिल से। जो जहां भी है सबके लिए, खुदा, वाहेगुरु, जीसस, अल्लाह या कृष्ण, करे हमेशा आपको वो चीज मिले जिसको आप डिजर्व करते हैं, दिल से दुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है हमारी दुआ बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि आप मेहनत पे यकीन करते हो, लक पे नहीं, तो जरूर कामयाब होंगे। आप भी, हम भी, और ये हमारा राज्य भी, हम सबको एक साथ चलना है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी टॉपिक है। कई बार है, अक्सर मैंने सिर्फ हिस्ट्री बता के छोड़ दिया था, आज ओवरऑल करवाते हैं। कैसे 120 को क्रॉस किया जा सकता है? क्या पॉसिबल है? इस दुनिया में सबको संभव है, सब कुछ जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो भी संभव है। बशर्ते एक बार अंदर जलने के लिए तैयार होइए, चलने के लिए तैयार होइए। चलिए आते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट की ओर एक नजर डालते हैं। हिस्ट्री, यहां से एवरेज मान के चलिए 35 क्वेश्चन एवरेज, और ऐसे 30 से कम का तो संभावना ही नहीं है। दूसरा करंट अफेयर, जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 30 प्लस ही रहेगा। ये चीज समझिएगा, हर एक एक बात को, अगर ये वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो शुरू से अंत तक देखिए। अगर समझना है तो घर में, परिवार में, मां बाप को अपना रिजल्ट देना, तो आप डिजर्व कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। वरना फिर फोन करके कहिएगा सुजीत सर अब क्या करूं, पास करूंगा कि नहीं करूंगा। अगर वो रुकना है तो इस वीडियो को शुरू से देखिए। तीसरा बिहार स्पेशल, 20 से 25 मान के चलिए, 30-32, एक सेकेंड, 30-32 जो है ये प्लस में ही रहने वाला है, इससे कम में संभावना ही नहीं है। चौथा पार्ट जो हमारा है वो है साइंस, जनरल साइंस, इसमें 25 से 30 नंबर, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो होगा वो बायो का होगा। इसलिए बायो पे हमारी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वैसे ही जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया पे आपकी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो है पॉलिटी 10 से 12 नंबर का रहेगा, और फिर टोटल अगर देखा जाए तो 108 से 130 तक इसका टोटल अगर चाहे तो आप यहां तक ला सकते हैं नंबर, और इतना आप डिजर्व करते हैं, आसानी से यहां तक आ जाएगा। यानी अगर इतना पढ़ते हैं तो 108 प्लस आना तय है। लेकिन जो भी पढ़ते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा, उस चैप्टर में अगर आयोग क्वेश्चन उठाए तो जमाने में किसी का गलत हो सकता है, आपका नहीं, तब कामयाब होइएगा, अदरवाइज संभव नहीं। आज से अभी से इस 20 को अंदर डाल लीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारी गलती नहीं होगी। चलिए आते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है तो बहुत सारा, लेकिन किस पे ज्यादा फोकस रखना है उसको मैं बता रहा हूं। उसके बाद सेकेंडरी में उनको रखिएगा जो इसके बाद रहेगा, फर्स्ट में वही रखना है। फर्स्ट में देखिए सबसे पहले जो है आप, हां इसको रखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीति को, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, इस पर ज्यादा नजर आपकी रखनी चाहिए। दूसरा जो है किसान और जनजातीय विद्रोह, इस पर पूरी तरीके से पकड़ होनी चाहिए। अगर देखिएगा तो 66 में एक है, 65 में एक है, 64 में पांच है, 63 में एक भी नहीं है, 62 में दो है, 56 से 59 में जीरो है, 55 से 53 में जीरो है, टोटल दो है अगर एवरेज देखा जाए तो, अगर उसी हिसाब से देखा जाए तो यह भी इंपॉर्टेंट है। 1857 को अगर देखें तो यह उतना ज्यादा नहीं है, ज्यादा समय देना बेकूफी है, और खास करके सिर्फ आप कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए तो सफिशियंट है, उससे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। धर्म सुधार आंदोलन, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर एवरेज देखिए तो 8 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, चाहे वो राजा राममोहन राय की बात हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात हो, स्वामी विवेकानंद की बात हो, दयानंद सरस्वती की बात हो, इसको थोड़ा सा समझना है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। धर्म सुधार आंदोलन जो बात बोल रहा हूं आप बैठिए क्लिक कीजिए अपने बुक में या जिसमें भी है, इस पर नजर होनी चाहिए। उसके बाद यहां के बाद जो है स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम चरण जो है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, अगर कहा जाए तो गांधी युग को उठा के पी जाइए, गांधी युग को। एक तो गांधी युग स्टार्टिंग 1917 चंपारण से लेके भारत छोड़ो आंदोलन तक एकदम उठा के पी जाइए एक, लेकिन उससे पीछे एक और है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, कांग्रेस की स्थापना से लेके स्वदेशी आंदोलन तक 1905 तक उठाकर रगड़ जाइए, सवाल नहीं उठता कि गलत हो जाएगा आपका। 20 से 22 क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा अगर ऐसे चलिएगा तो, बाकी आपकी इच्छा है। गांधी युग पे कोई भी रिस्क मत खेलिए, उठा के पी जाइए, चाट जाइए कि अगर क्वेश्चन यहां से आएगा गांधी युग से तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ना तो ऐसे ही पढ़िए, बाकी आपको बता दिया हूं। उसके बाद सेकेंडरी, अगर पीडीएफ चाहिए तो नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहां पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्राचीन में आते हैं। प्राचीन दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इतिहास का, जहां से 4 से 5 प्रश्न हमेशा बनते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जिसको समझा जा सकता है। हड़प्पा को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लेकिन वैदिक को मत पढ़िए, उसमें समय मत दीजिए, अभी हड़प्पा पे समय दीजिए। इसके साथ साथ अगर चाहते हैं तो धार्मिक आंदोलन पे थोड़ा सा नजर रखिए, जिसमें बौद्ध और जैन महाजनपद उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 3 महाजनपद जो है बिहार वाला थोड़ा सा एक नजर मार लीजिए, काम खत्म, बौद्ध जैन पे ध्यान रखिए। उसके बाद मौर्य कला पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मौर्य कला के बाद गुप्त कला पे, बाकी पे एक नजर भी नहीं रखना, बस सफिशियंट है, 4-5 चैप्टर जो है एक नजर से देख लीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर समय मिल रहा है तो फिर आगे का काम करना है, बाकी छोड़ भी देंगे तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके सिवा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना आपको है। अगर इस 70 दिन स्ट्रेस फ्री रहना है तो, और अपने घर में रिजल्ट देना है तो, चलिए मध्यकालीन भारत इतिहास के तीसरे खंड में चलते हैं। मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे थोड़ा सा बारीकी से परख रखिएगा इसको भी। इसके साथ साथ में मुगल काल, मुगल काल में 2-3 जो है इंपॉर्टेंट है उसको रखनी है। ऐसे दिल्ली सल्तनत भी देखिए तो दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके लास्ट तक जाते जाते बहुत बड़ा हो जाता है,
उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो इल्तुतमिस को ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का स्टार्टिंग है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान है उसको ध्यान रखिएगा, एमबीटी है उसको ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है उसको ध्यान रखिएगा, कुछ इनकी आर्थिक नीतियां जो है इसमें नजर रखिएगा, हल्का सा बस एक नजर मार लीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि यहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और हां, एक तो भूल ही गया, जहां हमेशा पूछता है क्वेश्चन पूछता है बलवन लौह रक्त की नीति, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बलवन को तो भला भूल ही नहीं सकते आप। मुगल काल, वैसे ही मुगल काल में क्या क्या पढ़ना है, तो मुगल काल में स्टार्टिंग जो हो रहा है बाबर से, थोड़ा सा बाबर वाला हल्का सा एक झलक देख लीजिए, अकबर देख लीजिए, और हां औरंगजेब देख लीजिए, इसके बीच में नहीं कोई खास नहीं है, बस इतना सफिशियंट है। ये पहले राउंड में देखिए, और अगर समय मिले तब फिर आगे का राउंड में देख लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, कोई विजयनगर बहमनी साम्राज्य देखने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है आपके पास में इतना, क्योंकि अभी आपके पास में लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में कट ऑफ को क्रॉस करवाना है तो आपको लिमिटेड ही पढ़ना पड़ेगा, तभी अनलिमिटेड नंबर आएगा। आइए, मध्यकालीन के बाद दूसरा हमारा खंड आता है समसामयिकी, करंट अफेयर, और करंट अफेयर दोनों भारत का भी और बिहार का भी, यह सबसे बड़ी समस्या बच्चों को क्रिएट करता है कि करंट अफेयर का कोई दायरा नहीं है। सुजीत सर, साल भर पढ़ू, 6 महीने वाला पढ़ू, 2 साल वाला पढ़ू, और अगर पढ़ भी लेता हूं तो दिमाग इतना कंसंट्रेट नहीं है कि 2 साल का डाटा, साल भर का डाटा, 6 महीने का डाटा ऑब्जर्व कर सके। ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? ऐसे कंडीशन में सीधा सा मतलब है, जितना भी है पूरे साल भर में जो हमेशा चर्चा करा, कोई भी मैगजीन, कोई भी, जरूरी नहीं है कि जो पॉपुलर है उसी को खरीदा जाए, यह बेवकूफी कभी मत करना, कभी मत करना। हमेशा उस मैगजीन को उठाने की कोशिश करो, डिसाइड करो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड मैगजीन बना हुआ, जो बेहतरीन, मार्केट में बहुत सारी बुक है, नो डाउट है, लेकिन हमारी भी 20 तारीख को मैगजीन अपडेट हो रही है, मार्केट में आ रही है, 20 तारीख के बाद मार्केट में आ जाएगी समसामयिकी का, आप वहां से परचेज कर लीजिएगा, चाहे जितना भी मैगजीन है सबका गुरु लेके आ रहा हूं, सबका, आप जितना भी देखें सब देख लीजिए, 3-4 तो बच्चे रखते हैं मैगजीन, उन सब का कंपाइल करके एक में रखा हो, इतनी बेहतरीन कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, अगर इसमें तो इसमें, नहीं तो फिर उसमें, कहीं से भी नहीं, पूरे अच्छे तरीके से कंपाइल कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली 20 तारीख तक आपके हर एक शहर में पहुंच जाएगा। आइए देखते हैं इसमें पढ़ना कौन कौन सा पार्ट है। अगर कोई भी मैगजीन अब तक आप खरीद लिए हैं तो 20 तारीख समय है, वेट तो कर नहीं सकते, लेकिन जो भी है मैगजीन आपको, उसमें देखना क्या, सबसे पहले खेलकूद, खेलकूद में एक चीज ध्यान हमेशा रखना है कि आप क्रिकेट वाला पोर्शन पे ज्यादा समय मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, यह चीज ध्यान रखिएगा, बाकी जो भी है, लॉन्ग टेनिस है, टेबल टेनिस है, हॉकी है, बैडमिंटन है, इस सब ने हमारे देश का नाम रोशन किया है इन सबके खिलाड़ी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, एकदम लिमिटेड पढ़िए, सोच के पढ़िए, ताकि आराम से क्रैक कर दिया जाए। क्रिकेट मत देखिए, क्रिकेट बच्चा बच्चा जानता है, आयोग को पता है, बिहार में और हिंदुस्तान में, इसलिए वहां पे ध्यान रखिएगा। व्यक्तित्व, वैसा व्यक्तित्व जिसने समाज को परिवर्तन कर दिया, लोगों की सोच को परिवर्तन कर दिया, पर्यावरण को परिवर्तन कर दिया, अगर ऐसे कोई व्यक्तित्व है तो वो सबसे चर्चा का विषय है, और खास करके इसमें अगर महिला है तो उठाकर पी जाइए, क्योंकि क्वेश्चन वही से राइज होने वाला है। 2014 के बाद महिलाओं का जमाना आ गया था, और अच्छी बात है, मुझे भी बड़ी गर्व होता है, अच्छी बात है, तो ऐसे कंडीशन में जहां भी महिला दिखे उठा के पी ले, क्योंकि ये वीडियो महिलाएं भी देख रही हैं, वो भी ध्यान रखेंगे, उनको भी उठा के पीना है, तो इसको थोड़ा सा व्यक्तित्व में ध्यान रखना। और ऐसा व्यक्तित्व जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है, या फिर पद्म विभूषण मिला हुआ है, ठीक है ना, तो इन सब पे थोड़ा सा गहरी नजर रखिएगा, और स्पेशली जो बिहार में है जिनको पद्मश्री मिला बिहार के, थोड़ा सा उनका नाम जाने या ना जाने, उनका क्षेत्र जरूर जान जाइएगा, नाम पूछे या ना पूछे, नाम चर्चा में, नाम नहीं भी पूछ सकता, क्षेत्र जरूर आयोग पूछेगा, ध्यान रखिएगा किस काम के लिए उनको दिया जा रहा है, यह चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अरे ऐसा पढ़िए ना कमाल का हो जाए, टाइम पास करने वाला मत पढ़िए, और जरूरत से ज्यादा उठा के मत पढ़िए, क्योंकि अनपच होगा तो वो सारा का सारा डाटा जो है एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन के साथ निकलेगा, और वो आप बर्बाद हो जाइएगा, बाकी सोचना आपको है। सम्मेलन और अभ्यास, सम्मेलन और अभ्यास बहुत सारा हुआ है, आप पागल हो जाइएगा पढ़ के,
इतनी सारी ग्रंथ, इतनी सारी मैगजीन है, भर भर के पेज देता है। ऐसे सम्मेलन में आपको ध्यान ये रखना है कि भारत के साथ रिलेशन सबसे बेहतरीन किसका है, पहला चूज ये करना है। दूसरा चूज करना है कि भारत के पड़ोसी कौन कौन है और क्या क्या अभ्यास हुआ है, उन सबको थोड़ा सा देखना है। और तीसरा जो सम्मेलन है, खास करके अगर देखा जाए तो नेचर से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, इन सबको थोड़ा सा देखना है। वाटर से रिलेटेड, इन सबका सम्मेलन पे थोड़ा सा गहरी नजर रखना है। क्यों, कब, कैसे, आखिर चर्चा में क्यों आया, काम खत्म। इससे ज्यादा कुछ दिमाग मत दीजिए, वरना पढ़ते पढ़ते समय चला जाएगा, रिजल्ट आपके पास कभी नहीं भटकेगा। चलिए पुरस्कार, पुरस्कार में वही आज फिल्म फेयर मत पढ़िएगा, आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार जरूर पूछेगा, दादा साहेब फाल्के किनको मिला है ये पूछ सकता है, कौन सी मूवी को कौन से डायरेक्टर हैं, मूवी का थीम क्या था, ये सब चीज को थोड़ा सा गहराई से पकड़िए, क्योंकि जिनका 60 दिन 70 दिन में सिलेक्शन होता है ना, एकदम लिमिटेड पढ़ते हैं, ओरिएंटेड पढ़ते हैं, आयोग का दिमाग वाला कहानी पढ़ते हैं और वहीं से रिजल्ट निकाल के आयोग को तमाचा मारते हैं। फिर से आ रहा हूं इंटरव्यू में, रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो, पिछले 2 बार से पहुंच रहा हूं, तीसरा वेटिंग लाइन में खड़ा हूं, जब बैठूंगा तब रिजल्ट दूंगा। और ये ठिठुरा ना, मजा आता है, तब लगता है असली में जिंदगी जीने का मजा। खैर आइए थोड़ा सा राष्ट्रीय परिदृश्य देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय पर नजर रख लीजिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय में ध्यान रखिएगा, और जब राष्ट्रीय पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बिहार को, जो भी जैसे बिहार के जो आसपास में पड़ोसी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुए, उधर नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करा उसको देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, इन सबको थोड़ी थोड़ी गहरी गहरी नजर में देखिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय में जो भी पड़ोसी हैं उनका और जिनके रिलेशन हमारे साथ में, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिहार बीसीएस में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिएगा। विविध में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब लेके हम आपके पास में आएंगे, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा बिजी हूं, व्यस्त हूं, लेकिन आएंगे जरूर। गणित में 10 क्वेश्चन होता है, कभी भी होशियार, इंटेलिजेंट और इंजीनियर बनने की कोशिश मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा, हम भुक्त भोगी हुए हैं, आप मत भोगिएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम जाता तो 365 दिन की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैथ्स हमेशा अंतिम में बनाना आपको, चाहे कितना भी आप इंटेलिजेंट क्यों ना हो, सामने वाला आपका गुरु बैठ के एग्जाम दे रहा, डीएसपी बना हुआ है, एसडीएम के लिए तैयारी कर रहा, और वो भी उसी एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर में बैठा हुआ है आपके साथ कॉम्पीट करने के लिए। कोई सी खता मत कर दीजिए जिससे आप बाहर निकल जाइए और वो आगे निकल जाए, इसके लिए ध्यान रखिएगा। मैथ सबसे लास्ट में, अरे बुरा से बुरा स्थिति होगा तब भी 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत इधर नहीं करोगे, थोड़ा इधर देख लेंगे, थोड़ा उधर देख लेंगे, थोड़ा आगे देख लेंगे, थोड़ा पीछे देख लेंगे, सर मैडम तो बात करने में लगे ही रहते हैं, तो इसका थोड़ा फायदा तो उठा लो। खैर चलिए आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, करंट अफेयर के बाद बिहार विशेष, जिसका आपको इंतजार रहता है, बिहार विशेष में क्या पढ़ा जाए, बिहार स्पेशल में। हालांकि 8 घंटे का वीडियो तो मैं दे ही दिया हूं, यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रहेगा, अगर आप उसको देख लिए तो कोई जरूरत नहीं कहीं पढ़ने की, बिहार के बाहर के भी बच्चे होंगे आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई जरूरत नहीं है। हाँ 8 घंटा पेशेंस आपके अंदर होना बेहद जरूरी है, ये ध्यान रखिए, रिजल्ट कोई पेड़ पे नहीं फलते हैं, या रिजल्ट कोई विरासत में नहीं मिलती है, रिजल्ट के लिए खुद को जलाना होता, समझ गए होंगे इशारे में। बिहार विशेष, इसमें थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, बिहार का इतिहास, थोड़ा सा बिहार का इतिहास को देख लेंगे, इसके साथ बिहार का भूगोल, बिहार के भूगोल को देख लेंगे, और बिहार के इतिहास में थोड़ा सा ज्यादा जो नजर यहां पे रखना है ये प्राचीन वाला पे रखिएगा, ध्यान रखिएगा प्राचीन वाला पे, आधुनिक पे तो रखना ही रखना है, आधुनिक पे लिमिटेड है, लेकिन प्राचीन पे ज्यादा रखना है, ये ध्यान रखना। मध्यकाल में तो बहुत सिंपल सा छोटा सा आराम से हो जाएगा, बिहार का भूगोल जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद जनगणना, जनगणना जा रहा है, नई जनगणना आ रहा है 2021 में, तो जा रहा है, तो जनगणना इस बार जाते जाते कहीं रुला ना जाए, याद रखिएगा मेरा कहने का मतलब, रुला ना जाए, यानी कि जनगणना पे पकड़ होनी चाहिए, छोटी छोटी बात को पकड़ लीजिएगा, कम से कम जनगणना 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा और आपकी हालत खराब करके रख देगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन कि आपको तो दिन में भी तारे दिखेंगे, इसलिए इस पर पूरी नजर रख लीजिएगा, जहां से मिले उठा के पी लीजिए। बिहार सब समाज की रहेगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये दोनों देखने में बड़ा होता है, बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं,
लेकिन ऐसी खता आप मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा अंतिम टाइम में ही देखें, देख जरूर लीजिए, कम से कम नजर से एक दो बार तो गुजार दीजिए, ताकि यहां पे कंफ्यूजन ना रहे और आसानी से दो तीन नंबर लाया जा सके। जिनका 107 नंबर आया था वो प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, जिनका 108 नंबर आया था वो मेंस लिख रहे हैं, और जिनका 0 नंबर आया था वो भी प्रीलिम्स पास कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। एक नंबर भी अगर कम आएगा तो आपको आयोग मेंस लिखने नहीं देगा, इतना बड़ा खतरनाक आदमी है। तो कम से कम कट ऑफ तो 2 नंबर ज्यादा करके रखिए, जो भी कट ऑफ रखे उससे 2 नंबर, और इसके सिवा ज्यादा कुछ नहीं करना। आइए नेक्स्ट चलते हैं, जीव विज्ञान, ये वाला पोर्शन भी बड़ी खतरनाक है कि बायोलॉजी तो समझ में नहीं आती है, जो साइंस वाले होते हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनकी तो हालत खराब हो जाती है, जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान सुनते हैं उनकी पूरी धड़कन हिल जाती है, और इसी की वजह से साइंस को लिए नहीं थे ग्रेजुएशन में, और फिर से वही वाली बायोलॉजी पढ़ने की बात आ रही। तो घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, आयोग बेवकूफ नहीं है, आयोग हमेशा बीच का रास्ता देखता है, जो बायोलॉजी पढ़ के भी आया ना, जो एमबीबीएस करके भी आया ना, उसको भी यहां पढ़ना है, और वही चीज पढ़ना है, उतनी मेहनत करना है जितनी मेहनत आपको करना है। चाहे कितना भी कोई हिस्ट्री पढ़ ले आर्ट्स का स्टूडेंट, लेकिन उसको प्रीलिम्स अलग तरीके से पढ़ना होगा, रटना ही होगा, वहां कोई उपाय नहीं है। फिर चाहे वो नए बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, या फिर कॉमर्स के बच्चे हो, आके वो करेंगे ही, हमेशा बीच का रास्ता देता है, चाहे बायोलॉजी हो चाहे हिस्ट्री का हो। अगर हिस्ट्री में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देगा तो साइंस वाले बच्चे बाहर निकल जाएंगे, और बायोलॉजी में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देगा तो फिर यहां से आर्ट्स वाले बच्चे बाहर निकल जाएंगे। क्या आयोग ऐसा करेगा खता, आपको लगता है? यही तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, वो हमेशा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आता हुआ क्वेश्चन, आसपास में दिखता हुआ क्वेश्चन पूछेगा और आपको गिरा देगा। आइए इसमें पढ़ा किस में जाए सबसे ज्यादा, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखिएगा, आपको जंतु एवं पादप का वर्गीकरण एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पहला वाला। दूसरा जो है वो आपका पोषक, विटामिन, खनिज। तीसरा जो है रोग। आपको एक मजेदार बात बताऊं बायोलॉजी पढ़ने का, व्यक्ति कैसे जन्म लेता है पता होना चाहिए आपको, पौधा कैसे जन्म लेता है पता होना चाहिए, व्यक्ति और पौधा दोनों को लेकर चलिएगा। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है पता कीजिए। जब व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है तो उसे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, पता कीजिए कौन कौन से पोषक तत्व हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू करता है बीमारियां भी पेड़ और व्यक्ति में लगना शुरू होता है, दोनों की बात कर रहा हूं। अब वो बीमारियां याद रखिए, कौन कौन सी बीमारी है, कैसे दूर होगी। धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ते बढ़ते वयस्क तक पहुंचता है, फिर शादियां होती है, पता कीजिए प्रोटेक्शन कैसे होता है, कैसे बच्चे हो रहे हैं। बस ये चीज को पकड़िए ना, मजा आएगा पढ़ने बायोलॉजी। और फिर फाइनली जो है धीरे 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 हार्मोन्स एंजाइम जो बिगड़े हल्का सा समझ लीजिए, काम खत्म है, और है क्या बायोलॉजी। 3-4 पार्ट को बस ध्यान रखिए, जन्म कैसे हुआ है पहला पोर्शन ये याद रखिए, कैसे वृद्धि हो रहा है वो याद रखिए, धीरे धीरे कौन से पोषक तत्व की जरूरत है क्योंकि खाना तो चाहिए वृद्धि होने के लिए, वो पता कर लीजिए। फिर रोग जो लगेगा उसके बारे में पता कर लीजिए, खेल खत्म कीजिए, नहीं है समय इतना, ज्यादा समय दिया जाए और कोई एमबीबीएस करने हम थोड़ी आए यहां पर। बस आइए नेक्स्ट जो है भौतिकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कभी अगर बायोलॉजी में कम क्वेश्चन देने की कोशिश किया, आयोग का दिमाग लगा कि हर कोई बायोलॉजी रट रहा है, उठा के भौतिकी से ज्यादा क्वेश्चन दे देता है, इसलिए भौतिकी को भी यानी कि फिजिक्स को हल्के में नहीं लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मात्रक एवं बीमा, इस पे नजर रखिएगा सबसे पहला नजर, उसके बाद जो है आपको जो भी करना है कर लीजिएगा, लेकिन जो इंडिकेट कर रहा हूं उसमें आपको पारंगत होना, पंडित होना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा जो है आपका गति में दिमाग नहीं लगाना, गति से क्वेश्चन नहीं पूछता है इसलिए इसको हटा दीजिए गति को। उसके बाद सीधे उष्मा आ जाइए, हीट में आ जाइए, हीट इंपॉर्टेंट है, हीट को थोड़ा सा समझ लीजिए। हीट के बाद लाइट, प्रकाश है, प्रकाश को समझ लीजिए, और प्रकाश के साथ साथ में विद्युत, ये 4 को अगर पढ़ लिए तो कंप्लीट है, ज्यादा भौतिकी में फिजिक्स में समय नहीं देने का है। क्लियर, आइए नेक्स्ट चलते हैं, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझिए, सबसे ज्यादा जो है रासायनिक यौगिक, इस पर ज्यादा नजर आपकी होनी चाहिए। रासायनिक यौगिक, दो से तीन क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा दिमाग नहीं देना, इसलिए दो से तीन क्वेश्चन रहेगा, तो दो से तीन टॉपिक ही पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन उतना ही टॉपिक पढ़ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रासायनिक यौगिक को पढ़ लीजिएगा, इसके साथ साथ थोड़ा सा धातु और अधातु, थोड़ा सा दोनों सा हल्का सा एक नजर दोहरा लीजिएगा, और एक चैप्टर और ध्यान रखिएगा, पदार्थ की आवश्यकता, सॉरी अवस्था, प्रकाश की, सॉरी पदार्थ की अवस्था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना पढ़ लिए आपका काम बन गया, अब इससे आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना कर लेते हैं, हमें बस पास करना है, हमें विद्वान नहीं बनना जी, नहीं बनना, हमें कोई इंटेलिजेंसी नहीं दिखाना जमाने को, हमें बस आयोग के कटअप को क्रॉस कर जाना है और आयोग से निमंत्रण ले लेना है, मेंस लिखने आ रहा हूं, रोक सके तो रोक के दिखा लेना, बस उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मोस्टली जो है करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा अगर करंट अच्छे से है तो आराम से बन जाएगा। इसमें जो है आर्थिक कार्यक्रम जो भी हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था में दोनों, हिंदुस्तान में भी और बिहार में भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ में थोड़ा सा राष्ट्रीय आय पे हल्का सा नजर डाल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हालांकि राष्ट्रीय आय आप आगे भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना होता है, क्योंकि पहली बार जो है धन का निष्कासन दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जो बताया था 20 रुपया, तो वहां से भी इसको जोड़ के समझ सकते हैं। तीसरा जो है बैंकिंग मुद्रा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। नीति आयोग को तो गलती से नहीं भूलिएगा, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा बजट को देख लीजिएगा, और थोड़ा सा कृषि इस बार चर्चा में है वो समझ लीजिएगा, और योजना, इसके सिवाय एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर बैठ जाइए पढ़ने के लिए तो 2 दिन सफिशियंट है, 2 दिन में उठाकर चाट जाइएगा, उससे ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको इकोनॉमी में, 2 दिन, मात्र 2 दिन, 2 दिन में इसको उठाकर चाट जाइएगा। और ऐसे करना होगा अगर अपने आप को फ्रेश रखना है, डर से दूर रखना है, आपके पास में कभी भी कोई निगेटिव ना आ जाए उससे बचना है, तो ऐसे ही पढ़ना, क्योंकि अब वो टाइमिंग आ गया, डर वाली टाइमिंग, नहीं होगा तो क्या होगा सुजीत सर, अरे कमाल होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले करो तो, जो तुम कर रहे हो उसमें ईमानदारी झलकाओ ना, नहीं होगा तो क्या होगा वो तो देख लेंगे ऊपर वाले, लेकिन जो कर सकते हो उसमें ईमानदारी से रखो, वो मौका ही नहीं आएगा, दिमाग में आएगा नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि होगा ही होगा, होगा क्यों नहीं। नेक्स्ट है राजव्यवस्था, पॉलिटी। पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले संविधान और संघ नागरिकता, इस पर थोड़ा सा नजर, पहली नजर खतरनाक वाली होनी चाहिए, इस पर नजर रहनी चाहिए। इसके साथ साथ एक दूसरा पोर्शन जो है संसद और कार्यपालिका, ये दो पार्ट जो है, हालांकि ये भी पूरी तरीके से करंट से जुड़ा हुआ है, पूरा करंट ही है, लेकिन ये दो चैप्टर इसको आपको ध्यान रखना है। और तीसरा एक चैप्टर और वो है स्थानीय शासन। अगर इस तीन को आपने पढ़ लिया, ज्यादा मत देखिए, कोई जरूरत नहीं देखने की, आसानी से आपका 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 10 में 8 तो कोई रोक ही नहीं सकता, बस 3 चैप्टर है पढ़ने का, उसके बाद अगर समय मिलता तो एक नजर से इसको देख लीजिए, काम बन जाएगा। और जितना ज्यादा पढ़ना वो आपकी इच्छा है, आपको लगता कि नहीं ऐसे क्यों होगा, वो क्वेश्चन छूट जाएगा तो, अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन आयोग दे दिया है तो पढ़ते रहो ना भाई, पिछले 2 साल से तो पढ़ ही रहे हो, इतना डाटा तो दिमाग के अंदर चला गया, लेकिन परिवार आज भी आपके रिजल्ट के इंतजार में आंखें थकती जा रही है, कब दोगे सोचो, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। पहले भी वही काम कर रहे थे, आज भी वही काम कीजिएगा तो आगे वाला टाइम में भी वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया था, पहले भी फेल, इस बार भी फेल, क्या इसके लिए आए हैं धरती पे? क्या लगता है 365 दिन बैठ के पापा की खून पसीने की कमाई पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में चिपा जाइएगा? कभी सोचे आप? अरे पापा नहीं बोलते कि बेटा सुसाइड कर लेगा, डरते हैं, लेकिन दिल की धड़कन बोलती है जीसस इस बार तो औलाद दिए हो ऐसा, अगली बार ऐसी औलाद मत चाहिए। और एक बार खुद से पूछना, आपको चाहिए आपके जैसा औलाद? नहीं ना, तो फिर बनो ना अच्छा औलाद।